नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गिवन अ पॉइंटर टू गिवन पॉइंटर्स टू हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, मर्ज देम इनटू सिंगल लिस्ट, सिंगल सॉर्टेड लिस्ट सॉरी. आइदर हेड पॉइंटर मे बी नल, मीनिंग दैट द कोरस्पॉन्डिंग लिस्ट इज एम्प्टी. ठीक है, हमें दो लिस्ट को मर्ज करना है सिंपली, और मर्ज कैसे करना है, सॉर्टेड वे में. दो सॉर्टेड लिस्ट को हमें सॉर्टेड वे में मर्ज करना है. अब एग्जांपल देख लेते हैं. 137 पहली लिस्ट है, 12 दूसरी लिस्ट है, तो मर्ज लिस्ट क्या हो जाएगी, 11237. ठीक है, तो ये हमारी मर्ज लिस्ट होगी. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. ओके, सो ये हमारी दो लिंक लिस्ट है. ठीक है, यहाँ पे हमें एक सी बनानी है, जिसमें क्या होगा, ये एक सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी. जैसे 111 फोर बार वन आए, है ना, फिर 2 3 4 5 6 हो गए, है ना, ये हमें सी में चाहिए. तो एक बेसिक आइडिया क्या आएगा दिमाग में, सबसे पहले इन दोनों को चेक करेंगे हम लोग. ठीक है, इन दोनों को चेक करेंगे, और ये हेड बी मतलब ट्रेवर्स करेंगे. बेसिकली हेड ए को ट्रेवर्स करेंगे, हेड बी को ट्रेवर्स करेंगे. इन दोनों से जो छोटा या इक्वल है उसको पहले लिख लेंगे. मान लो ए छोटा है मतलब इक्वल है ना, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे. अब जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको जंप मार देंगे दूसरे में, तुरंत ट्रेवर्स कर देंगे इसको. ठीक है, जैसे सेलेक्ट किया इसको तुरंत हम ट्रेवर्स कर देंगे. ठीक है, अब ए इधर आ गया. ठीक है, और अब क्या सीन है, अब ये 1 अभी तक हमने सेलेक्ट नहीं किया है ना. अब हम हेड ए और हेड बी को दोबारा चेक करेंगे. हेड बी को हमें ट्रेवर्स तब तक नहीं करना जब तक इसकी ये वैल्यू सेलेक्ट नहीं हो जाती है ना. अब ये दोनों में चेक करेंगे, 2 और 1 में, 1 छोटा है तो इस बी के इस नोड को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जंप मारेंगे सेकेंड पे, बी यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब हम फिर से दोबारा चेक करेंगे. अब क्या है, इन दोनों में से कौन छोटा है, 1 छोटा है, तो ये 1 जो है वो इसको पॉइंट करने लगेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 5 6 हो जाएगी ये लिस्ट. ठीक है, बड़ी सी लिस्ट बनेगी है. अब जैसे इसको सेलेक्ट किया, जंप मारेंगे हम इधर. ठीक है, ये भी हो गया. अब 2 और 1 में देखेंगे कौन छोटा है, ये छोटा है, तो सी इस ये जो 1 है इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करने लगेगा और ये लिस्ट बन जाएगी 1 5 6, है ना, इसके बाद 1 5 6 लगेगा और. ठीक है, अभी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया. अब जैसे ही इसको सेलेक्ट किया, हम जंप मारेंगे एक और आगे, 5 पे आ गया, बी 5 पे आ गया, और ए अभी तक 2 पे ही है क्योंकि अभी तक उसको सेलेक्ट नहीं किया था 2 को, है ना. अब 2 और 5 को हमने देखा, चेक कंपेयर किया, अब 2 छोटा है. हम यहाँ पे अब ये 1 क्या करेगा, ये 2 को पॉइंट करने लगेगा और लिस्ट क्या बन जाएगी, 2 3 4 बन जाएगी लिस्ट, इसके आगे वाली सी के फर्दर लिस्ट भी ये बन जाएगी. ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया. अब जैसे ये 2 को सेलेक्ट किया, अब ए को हमने ट्रेवर्स करके 3 पे ले आया, ए 3 पे आ गया है. ठीक है, यहाँ पे आ गया ए. अब 3 और 5 में दोबारा चेक होगा क्योंकि बी यहाँ पे है ना, 3 और 5 दोबारा चेक होंगे. 3 छोटा है, यहाँ पे आ गया, 3 आ गया. अब जैसे 3 को सेलेक्ट कर लिया, अब ए इधर आ गया, जंप मार दिए ए ने. ठीक है, ए ये बन गया और बी अभी भी 5 पे ही है, तो इन दोनों में से कौन छोटा है, 4, तो 4 को पॉइंट करने लगेगा ये 3, है ना. अब ये देखो 3 जो है वो 4 को पॉइंट करने लग रहा था. ठीक है, अब उसके बाद तो नल है, मतलब ये बेसिकली अभी ऐसी लिस्ट है ना, ऐसी लिस्ट है अभी ये. अब 4 और 5 में जैसे ही 4 सेलेक्ट हुआ, अब इसने जंप मारी नल पे. ठीक है, और जैसे ए नल हुआ, तुरंत हमें ये समझ में आ गया कि आगे जितने भी हम वैल्यूज डालेंगे सी में वो सब बी की होंगी, है ना. तो सिंपल क्या करना है, बी की पॉइंट कर देना है, सिंपल बी को लिख देना है. अब बी को ये लिख दिया, 4 जो है 5 को पॉइंट करने लगेगा, ऐसे है ये बेसिकली. ठीक है, ये मैं तो अलग अलग लिख रहा हूँ, तो ये लिस्ट क्या हो जाएगी, 1 1 1 1 2 3 4 5. अब 5 ये 4 इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, ताकि समझ में आ जाए सही से, 1 1 1 2 3 4 2 3 4 5 को पॉइंट करने लग गया, तो ये लिस्ट ये बन जाएगी. ठीक है, अब 5 के नेक्स्ट में 6 है अभी भी, तो ये लिस्ट ये बन जाएगी. ठीक है, ऐसी कुछ लिस्ट बनेगी. अब सेम यही काम ये पहले भी हो रहा था, पर वो लिखना में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था देखने में, इसीलिए अभी लिस्ट ये बन जाएगी. और ये लिस्ट ये कैसे बन गई, क्योंकि ये जो n का नल वैल्यू पहले ही आ गई है ना. सेम चीज़ b के केस में भी होगा. तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जैसे ही नल वैल्यू होगी किसी भी एक लिस्ट की, हम दूसरी लिस्ट की वैल्यूज़ को पॉइंट करते रहेंगे c में. ठीक है, तो ये ही बेसिक मतलब लेके चलना है हमें इसमें, है ना. तो देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा वाला क्वेश्चन. हम पहुंच गए कोड पे. अब क्या करना है, सबसे पहले एक हमें लिस्ट बनानी है सी नाम की, है ना. तो हम एक न्यू नोड बना लेंगे,
जो कि ये बताएगा कि भाई जो हेड सी है वो एग्जिस्ट करता है ना। हमने एक न्यू नोड बना लिया, उसके बाद हमने हेड सी बना लिया, एक हेड सी जिसमें हमने एक न्यू नोड को डाल दिया। अब इस न्यू नोड से कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि ये बस ये बताने के लिए था कि भाई सी एक और लिस्ट है जो एग्जिस्ट करती है जिसमें हम सारी मर्ज वैल्यूज को डालेंगे। ओके, अब सबसे पहले एक वाइल लूप लगाएंगे हम, क्योंकि एक लूप लगाना पड़ेगा ना कि सारी वैल्यूज में हम ट्रेवर्स कर सके। और वाइल ट्रू क्यों? क्योंकि इन्फाइनाइट लूप है, ठीक है, इन्फाइनाइट। और इन्फाइनाइट क्यों है? क्योंकि जो हम टर्मिनेशन कंडीशंस लिखेंगे वो इसके अंदर ही लिखेंगे, तो हमें इन्फाइनाइट लूप की ज़रूरत है, कोई फ़ायदा नहीं है ऊपर कंडीशन डाल के। अब सबसे पहले हमें क्या चेक करना था, इफ़ एक बेस केस होते हैं कि अगर ए एग्जिस्ट करता ही नहीं है, है ना, ए की अगर है ही नहीं नोड, तो हम क्या करना है। ये वही था कि जैसे ही एन नल हुआ, यहाँ पे आया है ना, ए नल है, तो उसके बाद सारी वैल्यूज बी की डाल दो, है ना, सारी मतलब बी को पॉइंट करने लगो। उसके बाद हेड सी के नेक्स्ट में क्या वैल्यू डाल देनी है हमें, हेड बी की, ठीक है, क्योंकि बी एग्जिस्ट करती है, ए एग्जिस्ट नहीं करती। अब दूसरा कंडीशन क्या होगी, हमने ए के लिए तो लिख दिया, अब हमें बी के लिए भी लिखना पड़ेगा। तो हेड बी अगर नहीं एग्जिस्ट करता हेड बी, तो हेड सी के नेक्स्ट पे क्या डाल दो, हेड सी अपनी मर्ज लिस्ट। ओके, हेड सी के नेक्स्ट में हमें क्या डाल देना है, हेड ए को। ये हमारी दोनों बेस केस बन गए जिसमें कोई भी वैल्यू नल हो रही है, ठीक है। अब हमारे एक जो मेन केस था जिसमें दोनों वैल्यूज को हमें चेक करना था, है ना, इस और इस इसकी वैल्यूज और इन दोनों वैल्यूज को हमें चेक करना था, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं। अब ये वाला केस था, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इफ इफ जो हेड ए की जो डेटा है, हेड ए का जो डेटा है, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू है हेड बी के डेटा पे, हेड बी के डेटा से अगर हेड ए छोटा है ना, तो हेड ए को हमें पॉइंट करने लगना, हमें हेड ए को इधर डालना है ना। तो हेड सी के नेक्स्ट पे हमें किसकी वैल्यू डाल देनी है, हेड ए की वैल्यू, है ना, हेड ए, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि अब एक ही केस बचता है ना कि जब हेड बी छोटा है, अगर हेड बी छोटा है तो क्या करेंगे हम, हेड सी पे, हेड सी डॉट नेक्स्ट पे किसकी वैल्यू डाल देंगे, हेड बी की, क्योंकि बी छोटा है ना उस केस में। तो ये हो गया, ठीक है। अब जब हेड ए सेलेक्ट हो गया है ना, हेड ए सेलेक्ट हो गया, तो हेड ए को क्या करना है, हेड ए कुछ ट्रैवर्स भी तो करेगा ना हमें, हेड ए कुछ टू हेड ए डॉट नेक्स्ट। अब इससे क्या होगा, हेड इसको पॉइंट कर रहा था, अब इसको पॉइंट करने लगा है ना, अब नेक्स्ट वैल्यू पे आ गया, क्योंकि पहली वैल्यू तो उसकी सेलेक्ट होगी मस्त। अब सेम केस किस पे होगा, बी पे भी होगा सेम केस, ठीक है, हेड बी इक्वल्स टू हेड बी डॉट नेक्स्ट, हेड बी डॉट नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। देखो हमारी ये जीरो वैल्यू हमने जो शुरू में लिस्ट बनाने के लिए की थी, इसके नेक्स्ट में हमें वन को डाला था, है ना, लेकिन हेड सी तो यही इसी को पॉइंट कर रहा है ना। अगर हम सी को ट्रेवर्स नहीं करेंगे तो सारी वैल्यूज बार बार ऐसी आती रहेगी, जैसे टू थ्री पे पहुंचा तो यहाँ पे टू ही आ जाएगा, ओवरराइट होता रहेगा, समझ रहे हो, ये बस सी अलग अलग को पॉइंट करता रहेगा, है ना, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि वन के बाद हम दूसरा वन भी डाल सकें इसी के आगे, मतलब एक एक करके आगे। तो उसके लिए हमें सी को भी ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना, ताकि सी इधर पे आए, फिर सी इधर पे आए, तभी हम ये टू डाल पाए या वन डाल पाए, है ना, वरना ओवरराइट होता रहेगा। तो ये चीज़ हमें करनी है, हमें सी को भी ट्रेवर्स करना पड़ेगा, है ना, ताकि उसकी नेक्स्ट 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 वैल्यूज पे डाल सके। तो सी को भी हमें ट्रेवर्स करने के लिए सिंपल हेड सी इक्वल्स टू हेड सी डॉट नेक्स्ट, है ना। अब एक और चीज़ है, ठीक है, अब इसको हम कोड को इम्प्रोवाइज करते चलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ है, जब मान लो हमारी ये लिस्ट ऐसी है, ठीक है, मतलब ऐसी कुछ लिस्ट हमारी सी, मर्ज लिस्ट हमारी ऐसी दिख रही है, हमारा सी ये होगा, है ना, हेड सी ये होगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट में हमने वैल्यू डाली होगी बाद में कभी, है ना, तो सी तो इधर पहुंच रखा है। अब जब हमें आंसर निकालना है और अगर हम सी को रिटर्न करेंगे तो 5-6 ही रिटर्न होगा, ये ओरिजिनल वैल्यूज तो गई समझो, मिली नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सी को ट्रेवर्स नहीं करना है, हमें यहाँ पे एक और टेल बनाना है। मान लो टेल कर दिया मैंने, जो कि हेड सी के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम आखिरी में किसको रिटर्न करेंगे, अब इससे क्या होगा, जो टेल की वैल्यू है वो स्टोर हो गई, ठीक है, टेल हेड सी पे देख रहा है, मतलब ये शुरुआत की बात है, टेल यहाँ है, ठीक है, ये टेल है, टी लिख देते हैं इसको, ठीक है,
और हेड सी ये है। तो अब मुझे बताओ कि अगर हमें आखिरी में वैल्यू रिटर्न करनी होगी लिस्ट की, तो हम किसको रिटर्न करेंगे, टी को रिटर्न करेंगे कि सी को रिटर्न करेंगे? ऑब्वियसली टी को रिटर्न करेंगे, क्योंकि इसी के पास सबकी वैल्यूज है ना, इसके पास जीरो से सारी वैल्यूज है। पर सी को जब अगर रिटर्न करेंगे तो 5-6 ही आउटपुट आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी को रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न टेल। तो जब ये हमें वैल्यू नल मिली है ए की, तो हमें जरूरत क्या है कि ये हम 5 और 6 दोनों को चेक करें, है ना। मतलब अगर ये नल है ना, तो जाहिर सी बात है कि सारी वैल्यूज बी की होंगी। इससे सीधा हम यहाँ पे हमें लिख देंगे ब्रेक, ताकि एक ब्रेक हो जाए ना, जरूरत नहीं है हमें आगे नीचे चेक करने की। सेम तब होगा जब हेड बी एग्जिस्ट नहीं करता, हम नीचे की वैल्यूज, हम नीचे के इंस्ट्रक्शन हम चेक ही नहीं करवाना चाह रहे, जब बात है ही नहीं उसकी, फालतू में चेक करेंगे, है ना। तो हम ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। जब हमने शुरू में यहाँ पे एक न्यू नोड बनाई थी, याद है, वो न्यू नोड अभी भी इस सी में है। ये जो सी है उसमें हमने शुरू में न्यू नोड डाली थी, उसी के बाद हमने ये सब वैल्यूज डालना शुरू की थी, है ना, 1 2 3, है ना, 1 1 करके। तो लिस्ट टेल अभी भी इसको देख रहा है, तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, हमें ये जीरो वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें मर्ज लिस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न टेल का नेक्स्ट रिटर्न करेंगे हम, ठीक है। यहाँ ये यहाँ से चाहिए हमें, और टेल की वैल्यू तो ये है, तो टेल डॉट नेक्स्ट क्या होगा, ये वाली वैल्यू, है ना। तो हम इधर टेल की जगह क्या रिटर्न करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट। अब रन करेंगे इस कोड को, देखें चलता है कि नहीं। बढ़िया, दोनों टेस्ट केसेस चल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबमिट कोड करेंगे और सारी केसेस चल रहे हैं। तो होप सो कि गाइस समझ में आया हो ये कोड। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर पूछें कमेंट में, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि और अपडेट्स आते रहें ऐसी इसी से रिलेटेड। टेक केयर गाइस, बाय बाय।